नंबर 8 देखिए, सेम वही क्वेश्चन देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन एक ही तरह से चल रहा है। यहाँ भी वही माना Pn Pn कॉलन 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ पे गलत दिया है, 2 का क्यूब होना चाहिए यहाँ पे, 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 n इंटू 2 का पावर n, ठीक है, बराबर में n माइनस 1 इंटू 2 का पावर n प्लस 1 प्लस 2। हम लोग क्या करेंगे, स्टेप पहला n बराबर 1 पर LHS लेते हैं, LHS में है आपका n इंटू 2 का पावर n, 1 इंटू 2 का पावर 1 यानी 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। RHS लेते हैं, RHS में है आपका यही ना n माइनस 1 इंटू 2 का पावर n प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा 1 माइनस 1 2 का पावर 1 प्लस 1 और प्लस 2, ये तो 0 हो जाएगा और 0 में इंटू होगा 2 का पावर 2 से तो 0 ही आ गया, सिर्फ 2 आ गया, यानी LHS जो है बराबर हो गया RHS के। अतः P1 जो है आपका सत्य है, P1 सत्य है हमने दिखा दिया। अब हमें पी के प्लस यहाँ पे अब क्या करना होगा, स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 क्या लिखेंगे, माना कि पी के सत्य है, यानी कहने का मतलब यहाँ एन के जगह आ जाएगा के, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब डॉट 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 एन इंटू, तो एन के जगह पे अब क्या आ जाएगा के, तो के इंटू 2 का पावर के बराबर में के माइनस 1 इंटू 2 का पावर के प्लस 1 और प्लस में 2, ठीक है। अब इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, अब क्या लिखेंगे, तो साबित करना है कि पी के प्लस 1 सत्य है, हमें पी के प्लस 1 सत्य दिखाना है, यानी के की जगह अब के प्लस 1 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 का पावर 2, 3 इंटू 2 का पावर 3, यहाँ के की जगह के प्लस 1 आ जाएगा, प्लस के प्लस 1 इंटू में 2 का पावर के प्लस 1, यहाँ के की जगह के प्लस 1 आएगा तो 1 से 1 कट जाएगा, सिर्फ के बचेगा 2 का पावर, यहाँ के की जगह के प्लस 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि के प्लस 2 आ जाएगा और प्लस में 2, ये हमें साबित करके दिखाना है। लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, इसी को ना जोड़ेंगे, आपको जोड़ना होगा k प्लस 1 इंटू में 2 का पावर k प्लस 1 जोड़ने पर, ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 का क्यूब डॉट 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 k इंटू प्लस में k इंटू 2 का पावर k और प्लस में, यही ना जोड़ेंगे, k प्लस 1 इंटू में 2 का पावर k प्लस 1, यही ना जोड़ना है और बराबर में इसमें, यानी कि k माइनस 1 इंटू 2 का पावर k प्लस 1 प्लस 2 में जोड़ना होगा आपको k प्लस 1 इंटू में 2 का पावर k प्लस 1, यही ना हम लोग दोनों तरफ जोड़ेंगे। अब चलिए जोड़ते हैं, तो यहाँ पे ये जो 2 कॉन्स्टेंट जो दिया है इसको अलग रखेंगे, इसमें और इसमें कॉमन करेंगे, यही ना कॉमन होगा, बचेगा यहाँ k माइनस 1 और वहां बच जाएगा k प्लस 1, ठीक है, और यहाँ कॉमन हो जाएगा 2 का पावर k प्लस 1 और प्लस में ये 2, 1 से 1 कट गया, यहाँ 2k हो जाएगा, 2k 2 का पावर k प्लस 1 प्लस 2, 2 का पावर 1 है ना जी, तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो पावर जुड़ जाएगा ना इंटू में है, तो यानी हो जाएगा k इंटू 2 का पावर k प्लस 2 प्लस 2, यही ना मैं प्रूव करना था, देख रहा हूँ ना, तो हो गया। अतः n बिलोंग्स टू n के लिए Pn सत्य है, ठीक है, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोट्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए आप सीधे जाएंगे www.ravikantsir.in से, वहां से आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो
विजिट करेंगे इस वेबसाइट पे और आसानी से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।